हम लगातार इस कवरेज पे बने हुए हैं। ये विजुअल्स वसरकोंड के, जहाँ पर डिमोलिशन ड्राइव जो है वो शुरू हुई है। ये जो मकान है ये रिसेंटली जो है वो बना है, ये स्टेट लैंड है। आप देख सकते हो किस तरह से इसको नीचे से डंगा दिया गया है, फिर ऊपर से ये मकान बना है। और जाहिर सी तौर सी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर इसको जो है वो 1.5 महीने पहले जो है वो बताया था कि यहाँ पर जो है वो कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतनी देर से जो, अगर ये कंस्ट्रक्शन जो है वो ओवरनाइट तो नहीं हुई है, तो इसको जो है वो ख्याल क्यों नहीं रखा गया? क्या हम सवाल उठा रहे हैं यहाँ से कि क्या सिर्फ यही एक मकान जो है वो यहाँ पर बना है जो स्टेट लैंड पर है, जबकि हम ओवरऑल अगर इस एरिया की तरफ देखें तो ये जो है वो सेलेक्टिव ड्राइव जो है वो लग रही है। हालांकि हमें ये बताया गया कि जो पुराने मकान स्टेट लैंड पर बने हुए हैं उनको जो है वो अभी डिसीजन नहीं आया है गवर्नमेंट का कि उनको जो है वो क्या करना है। जिस तरह की डायरेक्शन जो है वो सीनियर ऑफिशियल से आती है उसके बाद ही जो है उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जो नई कंस्ट्रक्शन है वो कोई भी जो है वो लोड नहीं की जाएगी स्टेट लैंड पर। और ये जो घर बना है यहाँ पर, ये जो है वो स्टेट लैंड पर जो है वो नई कंस्ट्रक्शन है, इसलिए इसको जो है वो डिमोलिश किया गया है। मैं बता दूँ कि लोगों से मैं अपील कर रहा हूँ कि वो किसी तरह की जो है वो इस तरह की जो है कंस्ट्रक्शन ना करें। हमें ये भी खबरें मिल रही कि इस मकान के अलावा कोई और भी मकान जो है वो बने हैं, और अगर सिर्फ इसी का गिराया जाएगा क्योंकि ये एक गरीब शख्स है तो फिर ये जो है वो सेलेक्टिव डिमोलिशन ड्राइव होगी। जो भी जो है वो हम इस बात पर नज़र रखेंगे कि अगर इसी की तरह किसी और ने भी जो है वो मकान बनाए, सिर्फ इसी को जो है वो टारगेट ना किया जाए, बाकी लोगों को भी जो है वो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जैसे कि बता दूं कि मैं ये शालेमार से जुड़ता हुआ इलाका है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कई मकान जो है वो बने हुए हैं और मैक्सिमम मकान जो है इसमें जो है वो स्टेट लैंड में आते हैं। आप देखिए ऊपर से जो ये मकान है, जो सारे जो है ये इन क्वेश्चन है और इनकी वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो हुआ हुआ है, और इसमें कुछ चंद मकान जो है वो मिल्कियत में है जबकि बाकी जो है वो मैक्सिमम वो स्टेट लैंड में है। इस कार्रवाई के बाद जो है वो अब ये पूरा एरिया जो है वो एक बार फिर से जो है वो फोकस में आया। और लेकिन सवाल ये है कि अगर ये लोग जिनको यहाँ पर बसाया गया है ये विदाउट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के और जो बाकी कंसर्न डिपार्टमेंट है उनकी मिली भगत के बगैर जो है ये चीज़ मुमकिन नहीं है, उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए आप JCB जो है वो यहाँ पर आई है, हम आपको ये विजुअल्स दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये JCB जो है वो अब इस मकान को जो है वो तोड़ रही है। आप बने रहे, हम ये विजुअल आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये देखिए जो विजुअल्स आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो सरिया लगा है लेंटर में वो बिल्कुल फ्रेश है, हम देख सकते हैं यहाँ से आँखों से। और आप देखिए पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस, यहाँ पर CRPF पुलिस जो है वो मौके पर मौजूद है। और ये JCB आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है वो इस मकान को जो है वो डिमोलिश की जा रही कर रही है। और हमें अफसोस है कि जो ये गरीब शख्स है जिसने अपनी पूरी जमा पूंजी इस मकान को बनाने के लिए लगाई, लेकिन हम साथ में ये सवाल भी पूछते हैं कि क्या कसूर सिर्फ इसका है? जो लोग इस कॉलोनी को यहाँ पर इलीगली बसाने में शामिल हैं उनके खिलाफ जो है वो कौन कार्रवाई करेगा?
ये लगातार विजुअल, जैसे कि मैंने बताया कि क्या ये सिर्फ लोग ही जिम्मेवार है जिन लोगों से पैसे लिए गए हैं, जिन लोगों से रिश्वत ली गई है, और ये कंस्ट्रक्शन इस एरिया में अलॉट की गई है जिसमें रेनू ऑफिशियल्स जो उस वक्त के हैं, क्या उनको भी जो है वो कार्रवाइयाँ की जाएगी? हम यही लगातार सवाल पूछ रहे हैं, और इसमें गवर्नमेंट को और एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात की इंक्वायरी करनी चाहिए कि किस किस के दौर में जो है वो कौन कौन सी इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई, कौन पटवारी था, कौन नायब तहसीलदार था, कौन तहसीलदार था, कौन लोग जो बाकी लोग थे गिरदावर थे जब ये जो है वो कंस्ट्रक्शन जो है वो की गई है, इलीगल कंस्ट्रक्शन की गई है। आप देखिए ये इस वक्त हम ये एरिया जो है वो शालेमार से लगता हुआ एरिया है, यहाँ काफ़ी लोग जो है वो जमा हुए हैं इस ड्राइव को देखने के लिए, लेकिन मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन ना करें, और अगर वो म्यूनसिपलिटी एरिया में है वो म्यूनसिपलिटी की परमिशन ले, अगर म्यूनसिपलिटी एरिया में परमिशन नहीं होगी चाहे वो आपकी मिल्कियती ज़मीन क्यों नहीं हो, वो भी इसी तरह से कंस्ट्रक्शन जो है वो डिमोलिश की जाएगी। आप देखिए इस गरीब का जो है वो नुकसान हो रहा है, हालांकि हम जो है वो अंदर से गमजदा हैं, मैं भी खुद गमजदा हूँ कि एक गरीब जिसने अपनी जमा पूंजी करके जो है वो इस मकान को बनाया है, उसको किसने जो है वो यहाँ पर जो है वो गुमराह किया, एक तरह से इसको गुमराह किया गया है कि उसको एलो किया गया है ये कंस्ट्रक्शन करने के लिए। अब मैं साफ बात जाहिर है कि मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर बिल्कुल जो है वो करप्शन इन्वॉल्व है, और करप्शन भी जो है वो इसमें जो है वो पीछे नहीं है। आप ये कवरेज लगातार देख रहे हैं, हम सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि क्या ये शख्स अकेले जिम्मेवार है, क्या ये लोग जो यहाँ पर जिनको आप इलीगल कॉलोनी का और इलीगल कंस्ट्रक्शन का नाम दिया है, क्या वो अकेले जिम्मेवार हैं? क्या इसमें जो रेन्यू ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये हम लगातार सवाल जो है वो लोगों को बता रहे हैं, और जो लोग भी इस कॉलोनी को यहाँ पर इलीगल जो स्टेट लैंड पर बसाने में जिम्मेवार हैं, हम चाहते हैं कि उन ऑफिशियल्स के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई हो, इसी तरह से उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो जिस तरह से यहाँ पर आज एडमिनिस्ट्रेशन चौकन्नी हो गई है और इस घर को जो है वो डिमोलिश कर रही है। यहाँ पर और भी मकान बने हैं, जब स्टेट लैंड पर टोटल कंस्ट्रक्शन पे बैन लगाई गई है उसके बाद भी जो है वो यहाँ मकान बने हैं, क्योंकि कुछ लोग असर रसूख वाले हैं इसलिए जो है वो उनको शायद नज़रअंदाज किया जा रहा है। और ये गरीब शख्स जो हमें बताया गया है कि शायद मुगल मैदान का रहने वाला है, ये शख्स डटपट का है, वही मुगल मैदान जो है वो तहसील करती है, वहाँ का जो है वो रहने वाला शख्स ये गरीब है, इसने भी जो है वो शायद कुछ जमा पूंजी करके जो है यहाँ पर मेहनत से ये पैसा जमा करके जो है वो मकान बनाया होगा, आज इसको जो है वो डिमोलिश कर रही है। और आप देखिए उसको इसने ऊपर से भी डंगा लगाया है सड़क को, नीचे से भी जो है वो डंगा लगाया है, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि ये जो ज़मीन है वो स्टेट लैंड है। हालांकि अगर मैं सवाल उठा लूँ जो ये PHC की पाइपें लगी हैं इसमें जो शटरिंग में लगी है, हम चाहेंगे कि इनकी भी इंक्वायरी हो कि क्या ये जिससे ये शटरिंग खरीदी गई वो उसको अपनी है या जो PHC की पाइपें हैं ये वो है। ये देखिए क्योंकि आप भी जो इसको किया गया शायद ही अब जो है वो ये मकान रहने के लायक हुआ, इतना जो है वो काफ़ी है। और ये आप देख लीजिए ऊपर से जो है वो ट्रांसमिशन लाइन भी है, उसके साथ जो है वो शुक्र है अल्लाह का कि लाइट नहीं है यहाँ पर, वरना एक हादसा हो सकता था। आप देखिए यहाँ पर इस मकान को जो है वो डिमोलिश किया गया, ये देखिए ये पूरा एरिया जो है वो शालेमार से लगता हुआ जो है ये पूरा एरिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने मकान पिछले कई सालों में जो है वो तामीर हुए हैं, लेकिन आज जो बलि का बकरा है ये बेचारा गरीब शख्स जो डटपट का रहने वाला है वो हुआ है, और ये जो
हम इसको ऐसे ह्यूमन एंगल भी देख रहे हैं और साथ में ये भी लोगों को बताएंगे कि इस तरह की जो है वो कंस्ट्रक्शन ना करें जहां पर आपकी इलीगल जो है वो स्टेट लैंड है, या अगर आपकी मिल्कियत भी हो और अगर आप म्यूनसिपलिटी में हो या ब्लॉक में हो, जब तक आपको परमिशन नहीं होगी आप जो है वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते और वो कंस्ट्रक्शन जो है वो इलीगल है। इस खबर पर हमारी आगे भी नज़र रहेगी, आप हमारे साथ बने रहें।